हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजे ज्योति रावत। और आज मैं बनाने वाली हूँ टी कोस्टर अगेन रेजोनाथ से। इसके लिए मैं कुछ ग्लिटर्स और ड्राई फ्लावर्स जो है मैं यूज़ करने वाली हूँ, और कुछ तुलसी की पत्तियाँ डालने वाली हूँ जो कि मुझे मंदिर से मिली हुई थी प्रसाद के तौर पर, और ऑयट्रा का अपना सेम रेजिन एंड हार्डनर मैं यूज़ करने वाली हूँ। 2:1 का ही प्रोपोर्शन जो है आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो चलिए अब ऐड करते हैं इसमें हार्डनर। प्रोपोर्शन के लिए आपको जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में जो बता के रखा हुआ है कि एक एप्लीकेशन है इपॉक्सी का, वो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका प्रोपोर्शन जो है वो एकदम परफेक्ट आए आपके मोल्ड के साइज़ के अकॉर्डिंग। और अब इसके बाद मैं डालने वाली हूँ इसमें रेजिन। अगेन सेम प्रोपोर्शन जो है जैसा रेजिन कैलकुलेटर में दिखाया था उतना ही प्रोपोर्शन मैं लेने वाली हूँ। एंड देन जस्ट उसके बाद मैं करना है मिक्सिंग, और कम से कम 10 मिनट्स मैं लेती हूँ मिक्सिंग करने के लिए ताकि कोई भी बबल्स ना रह जाए उसमें। लेकिन हाँ, आप चाहें तो थोड़े और देर के लिए कर सकते हैं, अनलेस आपको कोई भी बबल्स दिखाई ना दे तब तक। और बहुत ही एकदम स्लोली स्लोली आपको जो है एंटी क्लॉक वाइज एंड देन क्लॉक वाइज मिक्स करना है ताकि सारे बबल्स चले जाएँ और मिक्सर जो है आपका बहुत ही अच्छे से फाइन लिक्विड बन जाए। अब डालते हैं हम इसे अपने रेजन आर्ट के लिए, लेकिन उससे पहले आपको सेट करना होगा कि आप डेकोरेशन कैसे करने वाले हैं। तो चलिए 10 मिनट के रेजिन को छोड़ देते हैं साइड में, और अब मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा ड्राई फ्लावर्स का डेकोरेशन कर देती हूँ ताकि जब वो बने तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। तो चलिए सेट करते हैं डेकोरेशन। ड्राई फ्लावर्स मैंने अमेजोन से ही परचेज़ किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप चाहें तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर अगर कोई बेटर लिंक आपको मिलेगी तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा, मतलब इतने अच्छे से पैकेजिंग होकर ये आया था, और नो डाउट ड्राई फ्लावर्स जो थे वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के मिले मुझे। आप चाहें तो दूसरे वेबसाइट भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे आपको ड्राई फ्लावर्स मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आप कौन से शेप का रेजिन आर्ट करने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो चुकी है मेरे टी कोस्टर की, एंड नाउ स्टेप 2 जो कि है पोरिंग, वो हमें करना है। लेकिन उससे पहले आप एक बार अपने मिक्सचर को एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा करके और सेट कर लीजिए अच्छे से, ताकि कोई अगर बबल रह भी गया हो तो वो हट जाए, है ना। तो चलिए स्टेप 2 स्टार्ट करते हैं, पोरिंग करना आपके रेजिन मोल्ड में। एंड मेक श्योर कि जब आप पोर करें तो पत्ते थोड़े इधर उधर तो हिल ही जाते हैं ऑफकोर्स, क्योंकि आप लिक्विड पोर कर रहे हैं उसके ऊपर में, लेकिन आप उसे आइसक्रीम स्टिक के मदद से सेट कर सकते हैं दोबारा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
तो पोरिंग तो मेरी बहुत अच्छे से हो गई है, सेट हो चुका है ऑलमोस्ट जो मेरा फ्रेम था। अब बस हमें क्या करना है, 3 दिन का इंतजार करना है ताकि रेजन आर्ट जो है अच्छे से हार्ड होके आपका बाहर आ जाए रिजल्ट। अब हम बनाने वाले हैं राउंड शेप का टी कोस्टर। ये भी आपको मैं अमेजोन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी हूँ। अगर आपने मेरा पुराना वीडियोस नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए और ऑर्डर कर लीजिए अपना राउंड शेप टी कोस्टर। तो चलिए सेम डेकोरेशन वर्क में स्टार्ट कर देती हूँ ड्राई फ्लावर्स का। तो छोटा सा बना देते हैं 8 पीस यहाँ पे। चलिए ये तो रेडी हो गया है, लेकिन रेजिन जो था मेरा मिक्सचर वो थोड़ा सा बचा हुआ था, इसी वजह से मैं 2 टी कोस्टर बना रही हूँ। बेसिकली जो आपका 2:1 का जो आप मंगवाते हैं 50 ग्राम्स का, उसमें आप कम से कम 3 टी कोस्टर आराम से बना सकते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप रेजिन आर्ट करने जा रहे हो तो आपके पास एटलीस्ट 3 मोल्ड हो, ताकि आपका जो मिक्सचर है वो वेस्ट ना हो जाए और एक ही साथ आपको 3 रिजल्ट भी मिल जाएगा, यानी कि 1 तीर से 3 निशाने। तो हमारा राउंड शेप का टी कोस्टर भी रेडी हो गया है। 3 दिन का वेट करते हैं एंड लेट्स सी कि 3 दिन बाद कैसा रिजल्ट निकलता है। तो 3 दिन हो चुके हैं, अब आता है सबसे फेवरेट पार्ट हमारा, मोल्ड को निकालना। तो देखते हैं रिजल्ट कैसे बनता है। स्लोली स्लोली आप किसी एक एंगल को पकड़ लीजिएगा निकालने के लिए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ये एक्चुअली में बना है कि नहीं बना है, तो आप एक बार टच कर लें उसको फिंगर टिप से। अगर आप चेक करना चाहेंगे तो बहुत ही अच्छे से साउंड आता है प्लास्टिक का, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक का। तो दैट मीन्स आपका रेजिन आर्ट रेडी है, सिर्फ आपको निकालना है। तो देखिए कितने आसानी से ये अपने मोल्ड को छोड़ दे रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा बना है ये। अमेजिंग यार, इतना प्यारा बनेगा ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। और ये मैंने भी एक फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है आर्टिफिशियल ड्राई फ्लावर्स का। तो देखिए क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छा मोल्ड होके निकल के आया है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है यार। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये, क्योंकि एक यूनिक मास्टरपीस लग रहा है मुझे ये वाला। तो चलिए ये तो बहुत अच्छा बन गया। दूसरा वाला जो राउंड शेप रेजिन आर्ट का टी कोस्टर मैंने बनाया है उसे भी निकालते हैं। सेम प्रोसीजर, एक एंगल पकड़ लीजिए, वहाँ से आप निकाल लीजिए मोल्ड को। देखिए ये भी कितने आसानी से निकल के आ रहा है बाहर, मतलब कि चलो रिजल्ट हमारा जो है वो सक्सेस हुआ फाइनली यहाँ पे, क्योंकि दोनों टी कोस्टर मेरे ड्राई फ्लावर्स के बहुत अच्छे से बन गए हैं। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट बना और एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा ये वाला रेजिन आर्ट करने के लिए। लेकिन हाँ, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार ज्योति, ये रेजिन आर्ट हम बना तो लेते हैं लेकिन जो इसकी एजेस होती हैं बहुत ज़्यादा शार्प हो जाती हैं,
तो उसका कोई इलाज है क्या? तो मैंने बहुत देखा YouTube पे कि बाकी लोग कैसे करते हैं इसे सॉल्व। तो बेसिकली मैंने एक ये कीचेन बनाया था जिसके एजेस जो है काफ़ी ज़्यादा शार्प थे, तो मुझे उसको थोड़ा स्मूथ करना था। तो इसके लिए हम लेके आ सकते हैं सैंड पेपर। हाँ, आप किसी भी हार्डवेयर शॉप में अगर जाते हैं और वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के जो हैं सैंड पेपर मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप कौन से सैंड पेपर को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। तो अगर आपको देखना है कि सैंड पेपर कैसा होता है, वैसे तो सभी लोगों को पता होता है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। अलग अलग थिकनेस के हिसाब से आता है, तो मैंने 120 वाला जो है ये लेकर आया और मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी ठीक होगा इस की चेन को शार्प एजेस जो है उसको स्मूथ करने के लिए। तो इसको अगर आप पलटेंगे तो कुछ इस तरीके से रहता है। ये जो वैसे आप वाइट पैचेस देख रहे हैं, ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे स्मूथ किया हुआ था उसके पैचेस हैं। आप इसे बाद में गीले कपड़े से साफ भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ कैसे आपको इसको जो है स्क्रैच करना है सैंड पेपर में। आप चाहें तो इसे क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं अगर आपका राउंड शेप का है तो टी कोस्टर, लेकिन ये मैं कीचेन रेक्टेंगल शेप का बनाई थी तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा इसको बस स्ट्रेट थोड़ा सा मैंने घिस दिया ताकि जो शार्पनेस है वो चले जाए। तो देखिए कितने अच्छे से इसकी शार्पनेस चले गई है, पॉटरी फॉर्म में बेसिकली ये बाहर आया। आप इसे बाद में गीले पेपर से या किसी चीज़ से आप साफ कर सकते हैं। तो ये था इस वीडियो का टिप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।